नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं टेक इंफोसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से जुड़े रहते हैं, आप जुड़े रहते हैं टेक यूट्यूबर से, तो आपको पिछले बार आईफोन एक्सेस और एक्सेस मैक्स और एक्सआर के लॉन्च के टाइम में देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ था, कैसा हुआ था और फिर कितना क्रिटिसाइज किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स के बारे में, कि इनके बारे में अभी क्या राय है, क्या चल रहा है यूट्यूबर्स के बीच में, मार्केट में क्या, इसकी कौन सी हाइप क्या बन रही है, क्या इसको फिर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है या नहीं। तो बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, सबसे पहली जो बात आती है कि अगर हम देखते हैं पिछले साल के आईफोन एक्सेस को और एक्सेस मैक्स को या एक्सआर को, तो उसमें कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिला था लास्ट के। अगर ये से कंपेयर करते हैं आईफोन एक्स से, तो पिछले साल तो सिर्फ एक वेरिएंट जो है लॉन्च किया गया था जो कि एक्स था, पर दोस्तों उसके नेक्स्ट ईयर जो है डुअल कैमरा को हटा करके सिंगल कैमरा कर दिया गया था आपके आईफोन एक्सआर में, और फिर बाकी एक्सेस और एक्सेस मैक्स में भी आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जा रहा था। लेकिन जो प्रोसेसर वगैरह था तो वो तो सारे सेम थे, जो कि थे एप्पल का A12 बायोनिक चिप। तो प्रोसेसर के यानी परफॉर्मेंस के मामले में तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा था तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर, एप्पल के आईफोन्स के अंदर। मीन्स क्योंकि भैया एप्पल वाले बुरा मान जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। और एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, लगभग 1,20,000 चली गई थी। उसके बाद 64,000 का एक्सर आपका सेल लॉन्च हुआ था, बाद में उसकी प्राइसिंग जो है घटा करके कम कर दी गई है। हाँ, हालांकि आपको 49,000-50,000 में आप देखने को मिल जाएगा जब से आईफोन 11 लॉन्च हुआ। लेकिन मेन पॉइंट आता है कि क्या इस बार ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास हो गया जिसकी वजह से कुछ कुछ तो मतलब मीम्स बन रहे हैं कि किडनी बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो। हालांकि वो दूसरी बात है क्योंकि उतनी ज़्यादा प्राइसिंग है तो ऐसे मीम्स तो बनना। और जो है गनीमत ये रही कि आईफोन एक्सआर की जैसा फसी सिंगल कैमरा यानी सिर्फ एक कैमरा वाला सेटअप तो नहीं दिया गया है, इस बार आपको डुअल कैमरा का सेटअप आपके आईफोन 11 में भी देखने को मिल गया है, जो कि आपको 64,000 की प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। अब लॉन्च है भाई, अब आने वाला है, आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर मैं खासा बात कर लेता हूँ आईफोन 11 की, तो आप वाटरप्रूफ वगैरह ये तो पहले से ही थे, लेकिन इस बार जो है एप्पल का दावा है कि आपको ज़्यादा ड्यूरेबल ग्लास बॉडी मिल रही है, जो कि भाई पिछले साल से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसको पटक दीजिए, ज़्यादा तेज़ पटक देंगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में आपको बेटर मिल रहा है। और बैटरी की अगर मैं बात करता हूँ तो एप्पल का कहता है कि आईफोन 11 में आपके एक्सआर से 1 घंटे ज़्यादा बैटरी मिल रही है, वहीं पे आपके आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में भी 4 घंटे की ज़्यादा बैटरी मिल रही है। तो ये सब तो भैया हो गई उसके परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की और फिर कैमरास की, स्पेसिफिकेशंस की बातें। लेकिन अब जो मेन चीज़ जिस पे ये बन रहा है कि एक्चुअली क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया गया, तो लास्ट बार ही आप लोगों ने देखा था काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग थी, काफ़ी ऐसा है वैसा है ये है वो है आपको देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो आपको 64,000 में जो मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वो जो है आपको बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ आ रहा है, आपको कैमरा भी काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप एकदम ज़्यादा बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे, ऐसे चेंजेस आपको मिलेंगे जिसका आप आराम से मतलब आपके लिए कोई मतलब नहीं होने वाला है, आपका कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं मेरे जैसे कैजुअल वाले। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पहला डिफरेंस आपको कैमराज में मिलेगा, दूसरा डिफरेंस आपको मिलेगा बैटरी में, तीसरा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले में, और एक और डिफरेंस है छोटा सा जिसको आप कह लीजिए कि अगर आप उसको डुबाना चाहते हैं तो 4 मीटर तक 30 मिनट पर डुबा सकते हैं। IP68 आपको तीनों में सर्टिफिकेशन रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन जो आपका आईफोन 11 है उसमें आप 2 मीटर तक 30 मिनट तक पानी के अंदर डुबा सकते हैं, और उसमें 4 मीटर तक आप पानी के अंदर 30 मिनट तक डुबा सकते हैं ऑफिशियली। बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको बोले रहिए चाहे जो करे रहिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आते हैं असल मुद्दे पे, आपने तो जान लिया डिफरेंस क्या है, बैटरी में डिफरेंस है, उसके बाद डिस्प्ले में डिफरेंस है, और है डिफरेंस उनके कैमराज में। लेकिन इस बार जो है यूट्यूबर्स ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई किसी कंपनी को क्रिटिसाइज करना उसकी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा गिरा सकता है इंडिया में। अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स की वजह से ही अगर देख लीजिए तो काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे कितने लोग हैं जो इन्हीं यूट्यूबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन्हीं के रिव्यूज़ के ऊपर रहते हैं, तो जिनकी वजह से वो भी अगर सुन लेते हैं कि ऐसा उल्टा सीधा बोला जा रहा है तो वो नहीं खरीदेंगे। इससे हालांकि कंपनीज़ की सेल्स जो है काफ़ी डाउन होती हैं, तो जिसकी वजह से कंपनियाँ इन यूट्यूबर्स के ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकती हैं। हालांकि वो दूसरी बात है कि वो चैलेंज करेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन वो लीगल एक्शन ले सकती हैं क्योंकि इनकी वजह से, इनके क्रिटिसाइज करने की वजह से उनकी सेल्स में ड्रॉप हो रहा है, उनके बिजनेस में उनको नुकसान हो रहा है।
तो यही सब समझ करके मुझे लग रहा है, या ऐसा है भी कि यूट्यूबर्स इस बार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं उसके अच्छे बारे में, बुरे बारे में। और अगर ऐसा करते हैं तो भाई एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उसके बाद उनसे उनको अच्छे संबंध भी बनाना है, तो अच्छे संबंध रहेंगे तो तभी मिठास आएगी, और मिठास रहेगी तो भैया तभी सब काम होता है, क्योंकि सबको बना के रखना पड़ता है। अब देखिए, अब यूट्यूब से आप कितनी कमाई कर लेंगे एडसेंस, कभी 2,000 पे $1 मिलता था, कभी 5,000 पे $1 मिलता था, किसी 10,000 पे $1 मिलेगा, किसी 20,000 पे $1 मिलेगा। तो भैया यहाँ इतनी देर मेहनत करो, उसके बाद एडसेंस के ऊपर सब बस डिपेंड रहो, और कंपनियों के ऊपर डिपेंड ना रहो तो आपका कैसा चलेगा। तो ये थी सच्चाई दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आई होप मेरा वीडियो पसंद, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।